सर, सोशल मीडिया पे किक टू कई दिनों से ट्रेंड हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, किक टू जबरदस्त होने वाले, कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है। मतलब आप इससे समझ जाइए कि किक की पब्लिसिटी कितनी ज्यादा है। मतलब मैं सच बताऊँ तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा, मतलब मुझे पता भी नहीं था पहले की बात अगर मैं बताऊँ तो, कि किक इतनी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच इतना। हालांकि मुझे पर्सनली वो फर्स्ट फिल्म जो आई थी वो उतनी कोई पसंद नहीं है, मुझे नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंस की वजह से वो फिल्म काफी पसंद आई थी। बहुत उन्होंने मजेदार कैरेक्टर किया था तो मुझे उसके अंदर मजा आता, लेकिन कहानी वाइज इतना कुछ मुझे उतना मजा नहीं आया था फिल्म के अंदर। हालांकि अब सबकी अपनी चॉइस होती है फिल्म पसंद करने के तरीके होते हैं, मुझे इस प्रकार की फिल्म उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन आप किक का जलवा देखिए किस लेवल का है। ऑडियंस बिल्कुल पागल हो रही है, सिर्फ हल्का सा सलमान भाई का सिर्फ लुक आ गया। मतलब आप सिर्फ ये देखिए कि किस लेवल की सलमान भाई की पॉपुलैरिटी है, किस लेवल का उनका स्टारडम है। आप इससे समझ जाइए कि वो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे करके कौन सी फिल्म थी, उसका रानी मुखर्जी के लिए प्रमोशन के उसमें गए और वहाँ सिर्फ उनका ऐसा लुक दिख रहा है कि उन्होंने वाली फ्रेंच कट बियर्ड रखी हुई है, वाला उनकी दाढ़ी रखी हुई है। सिर्फ उनके इस फोटो से, जो उनका फोटो आया रानी मुखर्जी, उसके वजह से पूरा सोशल मीडिया पागल हो गया। फेसबुक, ट्विटर, सब जगहों पर मतलब तूफान मच गया पूरी तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ सलमान भाई छा गए सिर्फ किक टू के लिए, कि भाई किक टू आने वाली है, किक टू अनाउंसमेंट होने वाला है। मतलब सिर्फ इतनी से, मतलब आप जैसे उनका जलवा समझ जाइए, आप उनका लेवल समझ जाइए, उनका स्टार्डअप समझ जाइए कि कितना उनका वो है। जबकि कोई अनाउंसमेंट की कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आता पता नहीं, लेकिन बावजूद उसके, हालांकि खबरें अभी भी चल रही, ऑफिशियल बोल रहा हूँ, ऑफिशियल कोई ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन खबरें अभी भी चल रही है। और वाकई में ये आप तय मानिए कि नाडियाडवाला की तरफ से उनसे बात हो चुकी है, चीज़ें आगे बढ़ रही है। कुछ वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि सच में किक टू देखने को मिलने वाली है, और मुझे एक्सपेक्टेड रिलीज डेट मुझे लग रहा है ईद 2024 है। हालांकि ये बातें भी चल पड़ी है, एक बार फिर से अगर आप देखें तो शाहरुख खान का लाइनअप पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन वो आगे पीछे उनका भी काफ़ी पोस्टपोन का चल रहा है डंकी की वजह से भी और कई सारी चीज़ों, क्योंकि एक साल में तीन फिल्में नहीं लाएंगे, बहुत बड़ा एक्टर है वो, ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में काफ़ी खबरें आ रही हैं कि उनकी कोई फिल्म आगे बढ़कर ईद 2024 पे देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि ईद 2024 पे सलमान वर्सेस शाहरुख देखने को मिल जाए, हो सकता है डंकी वर्सेस किक टू देखने को मिल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। खैर ये तो देखने वाली बात होगी, अभी तो अटकलें तो कई सारी चलती रहती हैं, लेकिन ऑफिशियल क्या हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा किक टू के बारे में।